सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट टाइम क्या है? ऐसा कौन सा टाइम है जब आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो कम टाइम पढ़ाई करके? मतलब क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जब आप बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए पढ़ाई करते हो या किसी प्रॉब्लम पे अटक जाते हो पर उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है? बहुत देर आपने टाइम वेस्ट कर लिया पर जो लर्न किया था उसमें कुछ भी याद नहीं रह रहा है आपको। दैट मींस कि आप रॉन्ग टाइम पे स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन सा टाइम सही है टू स्टडी, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या आफ्टरनून, आपके लिए स्टडी करने का बेस्ट टाइम क्या है? हर स्टूडेंट के लिए वो टाइम अलग होता है, पर कैसे डिटरमिन करें इसको वो मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए राइट टाइम टू स्टडी क्या है, जिसके अंदर आप कम टाइम पढ़ के बट ज्यादा रिजल्ट्स दे सकते हैं। मतलब कि थोड़ी देरी फोकस करेंगे पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका मॉर्निंग टाइम मैक्सिमम जाता है स्कूल और कोचिंग के अंदर एंड अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे टाइम निकालेंगे, राइट? एक नॉर्मल सिनेरियो अगर हम लेते हैं तो एक स्टूडेंट सुबह स्कूल जाता है 8 से 2 पीएम तक, घर आता है 2:30 3 o'clock तक एंड 3 to 5 और 4 to 5 और 5:30 आपकी कोचिंग है, राइट? अब कहां से टाइम निकालेंगे सेल्फ स्टडीज के लिए? सो इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको हेल्प करेगा वो है पावर नैप। या तो आप स्कूल से आते ही 1 आवर की पावर नैप लें, या जब आप अपनी कोचिंग से आए हैं और आपको लगता है इसके बाद अब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो सकती है, अब आप पावर नैप लें। तो जब भी आप टाइम डिसाइड करेंगे पढ़ाई करने का तो आपको ये डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीस 4 फैक्टर्स। नंबर 1 इज योर एनर्जी लेवल, नंबर 2 इज द एनवायरनमेंट, नंबर 3 इज योर फोकस लेवल, नंबर 4 इज डिस्ट्रैक्शंस। ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप स्कूल से आते ही अगर आप तब नैप लेना चाहते हैं तो अब आपके पास एनर्जी लेवल हाई हो गया, आपके पास एनवायरनमेंट बेटर है। अगर आपके घर में नॉइस नहीं है तो इस टाइम पे एनवायरनमेंट भी बेटर है, एनर्जी लेवल भी आपके पास बहुत है, डिस्ट्रैक्शन भी कम है और आपका माइंड भी फोकस है, तब आप अब पढ़ सकते हैं। इनकेस आप इसके बाद कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आने के बाद का टाइम अब आपके पास एनर्जी लेवल भी नहीं है, आपके पास एनवायरनमेंट भी नहीं है, बिकॉज इवनिंग टाइम एवरीबॉडी इज प्लेइंग और बहुत कमोशन हो रही है घर के अंदर। नाउ इस टाइम पे यू शुड टेक अ पावर नैप 1-1.5 आवर। इसके बाद जब आप सोकर उठेंगे तब आपके पास एनर्जी बेटर होगी, ए यू कैन स्टडी अराउंड दैट टाइम। और अगर इस टाइम पर भी आपका एनर्जी लेवल हाई नहीं है तो आप इस टाइम पे पिक कर सकते हैं इजी एंड रेपिटेटिव टास्क। हम सब जानते हैं कि दो तरह के टास्क होते हैं, एक होते हैं इजी एंड रेपिटेटिव टास्क जैसे होमवर्क करना है, कोई सेम चीज को रिवाइज करना है, और दूसरे तरह के टास्क होते हैं थोड़े चैलेंजिंग टास्क जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी लगती है, जिसके अंदर आपको बैठ के कोई नए कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, कुछ नोट्स बनाने हैं या अपने आप को टेस्ट करके देखना है। इस चीज के लिए आपको चाहिए फ्रेश एनर्जी, फ्रेश माइंड। तो हो सकता है कि अब आप पावर नैप के बाद आप रेपिटेटिव टास्क कर पाए बिकॉज आपके पास एनर्जी नहीं है, पर अगर आप एकदम अलर्ट एंड फ्रेश फील कर रहे हैं तो आपको इस टाइम पे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए 2 आवर्स निकालने होंगे। अगर आप क्लास 10th में है एंड आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। यू वांट टू नो योर वीकेस्ट एरिया एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, तो कैसे टाइम डिवोट करेंगे? सॉल्व 1 question paper ईच डे। एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड सजेशन फॉर दैट एंड आई हैव गॉट यू कवर्ड थ्रू दीज बुक्स। नाउ फिजिक्स वाला ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना CBSE क्लास 10th के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर 2024 एग्जाम। अब बात करते हैं इस बुक के की फीचर्स की। तो ये बुक आपको कैसे हेल्पफुल होगी? अगर आपने आज सोचा कि आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, आपका मन किया कि आज मैं एक इजी सैंपल पेपर सॉल्व करूं या मीडियम या हार्ड, डिपेंडिंग ऑन दैट आप इसके अंदर पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 15 सैंपल पेपर है। अब इसके अंदर 2 ऐसे सैंपल पेपर है जो CBSE बोर्ड ने इशू किए हैं जिसके अंदर आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन है। 5 ऐसे क्वेश्चन पेपर्स है जो हैंड रिटन आंसर्स आपको मिलेंगे थ्रू QR कोड, मतलब आपने पूरा पेपर लिखा, QR कोड को स्कैन किया और आपको आंसर्स मिल गए। एंड 8 सैंपल पेपर्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर वो डिटेल आंसर और मार्किंग स्कीम के हिसाब से है, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। नॉट ओनली दिस, जब आप रिवीजन करने जाते हैं एंड आपको माइंड मैप्स की जरूरत है तो माइंड मैप्स भी दिए गए हैं एंड में, आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी दी गई है। नॉट ओनली दिस, एक QR कोड है जिसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आप PW की फैकल्टी की तरफ से रिविजन वीडियोज भी देख सकते हैं ताकि आपकी रिविजन जल्दी जल्दी हो पाए उस टॉपिक से रिलेटेड। सो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं, सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। राइट नाउ अनदर वे इज कि आप मॉर्निंग के 5 to 6:30 का स्लॉट या 5:30 to 7 का स्लॉट यूज कर सकते हैं फॉर स्टडिंग और फॉर सेल्फ स्टडी। और उसके बाद बिकॉज आप मॉर्निंग में अर्ली उठे हैं, अब आप दिन के अंदर 1 to 1.5 आवर ऑफ पावर नैप लेंगे जिससे कि आपकी स्लीप भी प्रॉपर हो जाएगी। नाउ अब ये तो बात हुई अगर आपको मॉर्निंग का स्लॉट करना है या इवनिंग का स्लॉट करना है, अब बात करते हैं नाइट के स्लॉट की। अगर आप नाइट टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? ऑलराइट, नाइट टाइम स्टडी हम तब करेंगे
नंबर वन इज अगर आपको सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना है एंड आपका जो स्कूल है वो लेट मॉर्निंग में है या लेट आफ्टरनून में है तब। नंबर सेकंड इज कि अगर आप अपने 7 आवर्स ऑफ नींद क्लॉक कर पा रहे हैं तो। नंबर थर्ड इज आपके पास पूरे दिन के अंदर कोई टाइम नहीं है और आपके घर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम। व्हाई? बिकॉज इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती हैं, इस टाइम पे आप आराम से फोकस कर सकते हैं। अगर आपने आराम से अपना पावर नैप ले ली है दिन भर में तो आप इस टाइम पे अलर्ट एंड अवेक भी फील कर रहे हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ दिन इसे ट्राई करके देखें। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे मेरा आउटपुट नहीं निकल पा रहा है देन यू कैन गो बैक टू योर अर्लियर रूटीन। ऑलराइट, नाउ ये तो हुआ नाइट रूटीन, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने नाइट रूटीन डिसाइड कर लिया है कि आप नाइट रूटीन में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नंबर वन शेड्यूलिंग जरूर करना, क्योंकि नाइट में डिस्ट्रैक्ट होना या टाइम वेस्ट होना बहुत कॉमन है। अगर आपने ये नहीं डिसाइड किया हुआ कि आपको करना क्या है। नंबर सेकंड स्नैक्स, रात के 1 या 2 बजते ही आपको दोबारा भूख लगने लगेगी। अगर आप अपने पास स्नैकिंग नहीं रखेंगे तो इस टाइम पे यू विल एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड जो आप अगले दिन रिग्रेट करने वाले हैं। नंबर थर्ड कैफीन कंजम्पशन, इस टाइम पे क्योंकि आपको नींद भी आ रही है और पढ़ाई करने में मजा भी आ रहा है तो अब आप बहुत सारा कैफीन कंज्यूम कर लेते हो जिससे कि आपकी अगले 4 से 5 घंटे की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। रिप्लेस करेंगे कैफीन रात को विद हॉट वाटर और इस टाइम पे आप कोशिश करेंगे कि यू विल नॉट गो बियॉन्ड 2 or 3 AM। ऑलराइट, बिकॉज हमें नेक्स्ट डे 6 to 7 hours स्लीप करके नेक्स्ट डे को भी स्टार्ट करना है। राइट, तो ये कुछ फैक्टर्स हुए जिसको आपको देखना होगा बिफोर यू डिसाइड योर मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग या नाइट टाइम स्टडी सेशंस। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे और फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में हमारी सेल्फ स्टडी के टाइमिंग। नंबर वन इज पीयर ग्रुप और द हेल्प ग्रुप, मतलब इस टाइम में जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं। अगर आपके पास आपका पीयर ग्रुप उस टाइम पे अवेलेबल है तो आप क्विकली उन्हें कॉल करके चेक कर सकते हैं और प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। नंबर सेकंड इज योर सर्केडियन रिदम, आपकी बॉडी क्लॉक किस तरह से वर्क कर रही है। अगर आप नाइट टाइम स्टडिंग पहले करते आए हैं आपके लिए बहुत आसान है सो गो फॉर इट, बट अगर आपने अभी एकदम से स्टार्ट की है और आपकी सारी चीजें एकदम हिल गई हैं गो बैक टू योर ओल्डर रूटीन। नंबर थर्ड इज चेक योर पीक प्रोडक्टिविटी, अगर आप 1 घंटा नाइट में पढ़ते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, दैट मींस नाइट इज द टाइम जब आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आप 1 घंटा मॉर्निंग आवर्स में पढ़ते हैं तब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, दैट मींस वो आपका पीक प्रोडक्टिविटी टाइम है। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स हम डिसाइड करेंगे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग या नाइट टाइम स्टडिंग फॉर योर सेल्फ। विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग योर स्टडी टाइमिंग। ऑलराइट, सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर सुपर प्रोडक्टिव। बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।